सरस मेला जाए और वहाँ कुछ खाए नहीं, ये कैसे हो सकता है। तो चलिए देखते हैं सरस की रसोई में क्या है। हमारे जाने का समय गलत था। मेले की शुरुआत सुबह 10 बजे से होती है और मैं वहाँ 10:30 बजे पहुँच गई थी ताकि ज़्यादा भीड़ का सामना ना करना पड़े। हमेशा की तरह इस बार भी बिहार का प्रसिद्ध लिट्टी चोखा के साथ ही सरसों की साग और मक्के की रोटी दिखाई दी मुझे, जो आपको मौर्य लोक में भी इजीली मिल जाएगा। जीविका की तरफ से कई स्टॉल थे जिसमें लखीसराय का प्रसिद्ध लाई मिठाई, खगड़िया प्रसिद्ध पेड़ा, कौशिकी महिला उद्यमी की दही घी खोआ और मिक्सर नमकीन और नारी गुंजन की तरफ से प्योर घर का बना घी जैसी चीज़ें अवेलेबल हैं। इसके साथ ही बिहार की कुछ प्रसिद्ध एवं खास मिठाइयाँ जैसे खाजा अच्छी स्थिति में दिखे मुझे। सुधा और अमूल के स्टॉल भी हैं और हाइजीन के दृष्टिकोण से मुझे ये बेहतर लगे। सुधा के बहुत सारे प्रोडक्ट्स मेरे लिए नए थे, शायद पैकेजिंग नहीं थी। मौसम के हिसाब से मटके वाली चाय और प्याज की कचरी काफ़ी डिमांड में है अभी वहाँ पे। पिज्ज़ा, बटाटा पूरी, भीड़ पूरी, बर्गर, चाट, पाव भाजी, सभी चीज़ें वहाँ पे अवेलेबल है। राजस्थानी खाने का एक अलग स्टॉल दिखा मुझे जहाँ दही भल्ले, प्याज की कचौड़ी, दाल बाटी चूरमा, गट्टे की सब्जी, कढ़ी और प्याज की कचौड़ी के साथ मूंग दाल हलवा भी मिल रहे थे वहाँ पे। मुझे लगा लिट्टी चोखा तो हम हमेशा खाते हैं, क्यों ना आज राजस्थानी भोजन टेस्ट कर लिया जाए, और मैंने किया। और ये मेरा एक्सपेरिमेंट काफ़ी ख़राब रहा, पूरे दिन मुझे गिल्ट फील हुई। आप रीज़न देख सकते हैं, रिपीटेड ऑयलिंग, ऑयल क्वालिटी बिल्कुल अच्छी नहीं होती जो बाहर ये लोग यूज़ करते हैं। आप ज़रूर मेले घूमिए, जाइए, इंजॉय कीजिए, बट सोच समझ कर खाइए। थैंक यू सो मच।